दो एसी मार्केट में बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं, एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी और पैनासोनिक का स्मार्ट एसी। अगर आप कंफ्यूज हैं कि इन दोनों एसी में से आपको कौन सा एसी लेना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले आइए जानते हैं एलजी के डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी के बारे में। अभी देखिए 46,590 का 5 स्टार रेटिंग का और 37,450 में आपको मिल जाएगा 3 स्टार रेटिंग। दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं, 3 से 4 हज़ार लोग इसे महीने हर महीने ले रहे हैं, क्योंकि 2024 में भी लेटेस्ट आया है और बहुत ही इम्प्रूव्ड आया है। जो इसमें कमियाँ थी 2023 के मॉडल में, वो कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और एक प्रीमियम क्लास का बढ़िया डुअल इन्वर्टर एसी है। डुअल इन्वर्टर के चलते जो एनर्जी कंजप्शन है वो बहुत ही कम हो गया है, कूलिंग भी उसकी बहुत स्पीड फास्ट कूलिंग करता है, आयसर वैल्यू भी बहुत अच्छी है, 3 स्टार की 4 है, 5 स्टार की 5.2 है और 10 ईयर की इसके आपको वारंटी, 5 साल में पीसीबी वारंटी, 6-in-1 कन्वर्टेबल एसी है, गोल्ड फिन की एंटी करोशन कोटिंग है। फीचर्स के मामले में भर भर के फीचर्स दिए हैं, डाइट मोड भी अलग से दिया है जो कि काफ़ी कम आपकी एनर्जी कंजम्पशन करता है और साथ ही में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे ओवरऑल ईयर का कम आएगा। ऑटो क्लीन फंक्शनैलिटी है, विराट मोड भी है, 110% कैपेसिटी पे चलता है ये, मतलब ज़्यादा लोग होंगे तब भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और उसमें अलग अलग मोड भी दे रखे हैं, म्यूट फंक्शन दे रखा है जिससे कि एसी आपका ज़्यादा आवाज़ ना करे। इसमें एचडी फिल्टर विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन दे रखा है जो कि आपको बहुत ही क्लीन हवा फेंकता है। तो एलजी ने इसलिए सारे बढ़िया फीचर्स दिए हैं, 100% कॉपर ट्यूब्स हैं विद ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन। तो देखिए सारे इसमें जो एक अच्छे एसी में आप कुछ चाहते हैं कि कूलिंग के साथ साथ और भी सारे अच्छे फीचर्स हों, तो एलजी ने पूरी कोशिश करी है कि सारे फीचर्स यूज़र को दे पाए। 52 डिग्री तक का टेम्परेचर रहेगा तब भी आराम से चल जाएगा, R32 रेफ्रिजरेंट है, कोई भी ओजोन को इसमें नुकसान नहीं है, स्मार्ट डायग्नोसिस का भी इसमें आपको फीचर मिलेगा। अभी आते हैं पैनासोनिक के एसी के बारे में। अभी देखिए इसका जो 5 स्टार का है 45,000 और 3 स्टार का है वो 37,000 की रेंज में मिलेगा। और पैनासोनिक भी जापान की सबसे नंबर वन कंपनी है एसी के मामले में। अभी देखिए इसके फीचर्स की बात करें, जो सबसे हाईलाइटिंग फीचर है इसका इन्वर्टर कंप्रेसर है, इसमें भी आपको अलग अलग मोड मिल जाएगा, पर जो इसका वाईफाई फीचर है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर देखिए आज के ज़माने में आप इसके वाईफाई वाला चाहते हैं जिसमें आप एलेक्सा से कनेक्ट कर सकें, अपने बैठे बैठे आपको रिमोट ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े, तो ये फीचर्स आपको इसमें मिलेगा। 7-in-1 कन्वर्टेबल एसी इसमें भी है और इसकी आयसर वैल्यू 3.90 है, थोड़ी कम है पर इतनी भी ज़्यादा कम नहीं है। तो इसका प्राइस भी आपको 1,000 रुपये तक कम मिलेगा। अभी इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको लेना चाहिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग। देखिए अगर आप वाईफाई वाला लेना चाहते हैं, स्मार्ट एसी लेना चाहते हैं, तो आप पैनासोनिक की ओर जा सकते हैं। पर फीचर्स के मामले में देखिए जो एलजी ने इस बार किया है बहुत ही बढ़िया किया, 2024 में जो उसमें जो अभी एफिशिएंसी है और ज़्यादा बढ़ गई है, आयसर वैल्यू भी काफ़ी अच्छी रही है जिसके चलते एफिशिएंसी और बढ़ी है और आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम देखने को मिलेगा। तो देखिए 1,000 रुपये का भले ही डिफरेंस आपको देखने को मिले, पर जो एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इन सब दोनों के बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से जाके चेक करिए। वीडियो अच्छा लगा उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।